दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया में क्या अंतर है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे। तो बेसिकली दोस्तों आपने बहुत बार सेलेबल एरिया एक टर्म सुना होगा, राइट। यहां पे आप लोग देख रहे हैं, ये सेलेबल एरिया एक टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। तो बेसिकली सुपर बिल्टअप एरिया और सेलेबल एरिया एक ही होता है। जब भी कोई भी फ्लैट परचेस करने के लिए जाता है तो बिल्डर जो फ्लैट के लिए प्राइस सेट करता है, तो वो फ्लैट की जो प्राइस है वो चार्ज होती है बेस्ड ऑन द सेलेबल एरिया ओनली, ठीक है। तो बेसिकली सुपर बिल्टअप एरिया और सेलेबल एरिया एक ही होता है। अब सुपर बिल्टअप एरिया का कैलकुलेशन करते समय या सुपर बिल्टअप एरिया को कैलकुलेट करते समय कौन कौन से एरियाज को ऐड किया जाता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली उसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो बिल्टअप एरिया है वो ऐड किया जाता है, वो कंसीडर किया जाता है। तो बिल्टअप एरिया मतलब क्या, ये हमने अभी लास्ट वीडियो में ही कवर किया था, फिर भी इस वीडियो के अंदर भी हम लोग उसको देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिल्टअप एरिया को भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि सबसे पहले तो आपका बिल्टअप एरिया ऐड होता है उसमें, प्लस आपके जो कॉमन एरियाज है बिल्डिंग में, तो कॉमन एरियाज लाइक लिफ्ट, कॉरिडोर्स, स्टेयर केस, जो भी कॉमन स्टेयर केस है वो, प्लस क्लब हाउस, तो ये सारे कॉमन एरियाज का एरिया भी सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करते समय ऐड किया जाता है बिल्टअप एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारे एरियाज को ऐड किया जाता है सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करते समय। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज को ऐड नहीं किया जाता है, कुछ कॉमन एरियाज ऐसे भी है जिनको ऐड नहीं किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो ऐसे एरियाज है जिनको हमको एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है। तो एरिया जैसे कि कंपाउंड वॉल का एरिया, उसके बाद जो ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल्स अगर आपके बिल्डिंग के अराउंड है तो वो, ड्राइववेज, पार्क्स, प्ले एरियाज, वाटर टैंक्स एंड सेप्टिक टैंक्स, तो ये सारे कॉमन एरियाज सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करते समय वहां पे ऐड नहीं किए जाते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से सुपर बिल्टअप एरिया को कैलकुलेट किया जाता है। अब सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो बिल्टअप एरिया का डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, बिल्टअप एरिया कैसे कैलकुलेट होता है। तो बिल्टअप एरिया इंक्लूड्स ऑल द वॉल एरियाज, घर के अंदर आपके फ्लैट के लिए जितने भी वॉल्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं, आपके आउटर वॉल्स, इनर वॉल्स, तो इन सारे एरियाज को वहां पे कंसिडर किया जाता है, प्लस आपके घर के अंदर जितने भी रूम के एरियाज है, उन सारे वॉल्स के अंदर जितने भी रूम्स बनने वाले हैं उन रूम्स का एरिया भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है वॉल्स के साथ, प्लस आपके घर में जो भी बैल्कनीज होती है, बैल्कनीज, टेरेस, विद इन द हाउस जो भी होते हैं उनका एरिया भी इसमें ऐड किया जाता है, प्लस ऑल रूम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्लस अगर आपकी कोई स्टेयरकेस घर के अंदर है तो उसका भी एरिया यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एरियाज को ऐड करके हमको मिलता है बिल्टअप एरिया। तो बेसिकली अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया में क्या अंतर है। तो बेसिकली सुपर बिल्टअप एरिया में हम लोग कॉमन एरियाज भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉमन एरियाज को कैसे ऐड किया जाता है, उनका एक लोडिंग फैक्टर यहाँ पे ऐड किया जाता है। जितने भी फैसिलिटीज आपके बिल्डिंग में है, जैसे कि अगर लिफ्ट है, कॉरिडोर्स भी है, कुछ यू नो स्टेयर केसेस भी है जिनका कॉमन यूज होता है, क्लब हाउस है, तो जितने भी यू नो कॉमन एरियाज आपके बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल है उनका एक एरिया आपके बिल्टअप एरिया में ऐड किया जाता है, वो ऐड किया जाता है एज अ लोडिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जो लोडिंग फैक्टर होता है वो ये जनरली 25% टू 60% ऑफ कार्पेट एरिया होता है, ठीक है। ये जनरली देखा गया है कि जो भी कॉमन एरियाज का लोडिंग फैक्टर ऐड किया जाता है बिल्टअप एरिया में सुपर बिल्टअप एरिया निकालने के लिए, तो वो लोडिंग फैक्टर जनरली होता है 25% टू 60% ऑफ द कार्पेट एरिया ऑफ योर फ्लैट,
ऑल राइट तो ये बेसिक डिफरेंस है सुपर बिल्टअप एरिया में और बिल्टअप एरिया में। सुपर बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करते समय हम कॉमन एरियाज भी ऐड करते हैं बिल्टअप एरिया के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।